हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा इंजीनियरिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा के अंदर जो बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है मुख्य परीक्षा को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के। यहाँ पर जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो अपना जस्टिस मांग रहे हैं, अपना जवाब मांग रहे हैं। तो विद्यार्थियों में कितना गुस्सा है, किस तरह से मतलब इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं परीक्षा के ऊपर, बोर्ड के ऊपर क्या क्या संदेह व्यक्त किया जा रहा है, क्या बोर्ड इसमें शामिल है कि पेपर रद्द करवाया जाए। हूबहू सवाल एक ऐप से आए हैं, उस पर भी एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ है। तो सारा का सारा अपने आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। भर्ती परीक्षा क्या सच में रद्द होने की कगार पे है, क्या भर्ती परीक्षा रद्द होगी, वो भी हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वन बाय वन हम लोग सारी चीज़ डिस्कस करेंगे और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि विवादों में वीडियो परीक्षा 40% सवाल हूबहू सीकर के एक ऐप से। सीकर का एक ऐप था जिसके अंदर 40% सवाल जैसे उस ऐप में बताए गए थे वैसे के वैसे सेम टू सेम आए थे। ठीक है, क्या ये इत्तेफाक है? इतना तो इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब देखिए, भर्ती परीक्षाओं में नहीं थम रही गड़बड़ियाँ। 160 सवाल थे एक ऐप से। प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के जरिए बेरोजगारों के 7 करोड़ मजाक किया जा रहा है। पिछले 4 साल के दौरान निकली अधिकतर भर्तियां किसी न किसी कारण विवादों से घिर रही है। जैसे कि आप सभी जानते हो, पिछले 4 साल से कोई भी भर्ती निकलती है ना, तो कहीं पेपर लीक, कहीं कुछ मतलब कि विवादों में घिर जाती है। ठीक है ना परीक्षा। अब दोस्तों यहाँ पे एक ऑनलाइन संस्था है, उसके ऐप से हूबहू 40% प्रश्न आए थे। यह ऐप सीकर से संचालित किया जाता है। प्रश्न पत्र में कुल 160 सवाल पूछे गए थे, जिसमें से 60 प्रश्न ऐप के टेस्ट सीरीज से थे। ठीक है ना, इनकी भनक लगते ही परीक्षार्थियों ने विरोध शुरू कर दिया है। कमेटी गठित कर कोचिंग संस्थान की भूमिका की जांच की मांग की जा रही है। इससे पहले भी राज्य चयन बोर्ड ने 12 अप्रैल को वीडियो प्री भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया, तो रिजल्ट में अनियमितता और अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी के आरोप लगे थे। जैसा कि आपसे भी बताया कि नॉन टीएसपी और टीएसपी में डिफरेंस किया गया था रिजल्ट में। बेरोजगारों का कहना था कि इसमें आरक्षित वर्ग के सभी प्रतिनिधित्व के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है। इसमें एसएससी, एमटी, ओएमसी, एमबीसी, ओबीसी ही पीड़ित नहीं है, बल्कि दिव्यांग श्रेणी, विधवा, परित्यक्ता और उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ भी भेदभाव किया गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जितने भी मतलब पेपर लिए गए हैं बोर्ड के द्वारा, उन सभी के अंदर जो है भेदभाव किया गया है। अब बीटीपी विधायक ने क्या कहा है, राजकुमार रोत ने जांच कमेटी गठित करने की मांग की है। बीटीपी के 84 डूंगरपुर विधायक राजकुमार रोत का कहना है कि प्रदेश में पिछले कुछ समय से भर्तियों में एक ही शिक्षण संस्थान से सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, इससे संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। क्योंकि दोस्तों देखो क्या है कि जो ऐप वाले हैं वो हो सकता है अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हो, हो सकता है उन्होंने पेपर में कुछ सेटिंग कर लिया हो, तो इसका जो है दोस्तों जांच होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस ऐप के टेस्ट सीरीज में मैं आपको बताता हूँ, कंप्यूटर निदेशक की भर्ती में भी यहाँ से क्वेश्चन आए थे, ग्राम विकास अधिकारी की मुख्य परीक्षा में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हूबहू। तो इस पर यहाँ पे बेरोजगारों की मांग पर सीएम को ज्ञापन दिया गया है और उचित कार्रवाई की मांग की गई है। यहाँ पे आपको पता ही है कि 4 सालों में लगातार हर दूसरी भर्ती परीक्षा विवादों में रही है। इसी को लेकर के आप देख लो, चाहे पटवारी देख लो, आरएएस देख लो, रीट 2021 देख लो, लाइब्रेरियन देख लो, जेएन देख लो, फार्मिस्ट देख लो, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं वो सारी सारी विवादों में रही है। कहीं नकल कराने के मामले सामने आए हैं, तो कहीं पेपर आउट होने के। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी आप देखो, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने भी ये छापा है कि सीकर से एडस्पोर्ट ऐप से, एक ऐप का नाम है एडस्पोर्ट, वहाँ से हूबहू प्रश्न आने पर सोशल मीडिया पर विरोध। आज वीडियो भर्ती परीक्षा में भी 60 से अधिक प्रश्न आने पर खड़े हुए सवाल। एबीवीपी प्रदेश मंत्री और होशियार मीणा ने परीक्षाओं की पारदर्शिता पर उठाए सवाल। रीट परीक्षा से पहले जांच की मांग, अधीनस्थ बोर्ड पिछली भर्तियों से भी हूबहू प्रश्न आने पर उठा रहा था विवाद। यानी कि दोस्तों यहाँ पे अब सीधा सा दिख रहा है कि मतलब ऐसा तो इत्तेफाक तो तब मानते ना, तब जब एक बार होता है ऐसा कि चलो भैया एक बार यहाँ से क्वेश्चन आ गए हैं, चलो इत्तेफाक हो गया होगा। लेकिन यहाँ से बार बार हर भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अपनी ऐप की पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए, अपनी ऐप की टीआरपी बढ़ाने के लिए वो जो है ऐसा काम कर रहे हैं, पेपर में गड़बड़ियाँ करवा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपका क्या मानना है इस न्यूज़ के ऊपर, आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में देना, और ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सभी लोगों तक शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करनी है, ताकि ये जो परीक्षा जो मामला है वो सभी लोगों तक पहुँच जाए। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा दोस्तों अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है, आप लोग वहाँ से वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।